तो बाइक का सफर यहाँ तक हमारा खत्म होता है भाई। बाइक यहाँ खड़ी कर दी अब नीचे जाके। और भाई बहुत बड़ी वैली लग रही है, तो धीरे धीरे जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। अभी हवा जाने लगी है वाटरफॉल की। ये देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है एकदम से। दोस्तों यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है ड्रोन से, और आपको दिख रहा होगा ये सामने ड्रोन। कुछ कट्टे भी लगे हुए हैं, ये भरे हुए हैं, लेकिन हमारी जो थैलियाँ थी वो हमने अपने बैग में रखी है, जो भी कचरा था हमारा। तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है भाई। आ गए ना मौत के मुंह में। तो राम राम भाई, सबने आज फिर एक बार नई ट्रिप पे निकल गए हैं हम लोग, और आज कुछ फिक्स नहीं है कहाँ पे जाने वाले हैं। आगे रास्ते में पता चलेगा, आगे जाके डिसाइड होगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो नई ट्रिप के साथ, नई सुबह के साथ व्लॉग में बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही आनंद लेते रहिए ना। वीडियो पूरा ज़रूर देखना यार, पूरा वीडियो देखेगा तभी मज़ा आएगा। ऐसे आगे निकाल के देखोगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें अंतिम तक, और जो भी जैसा भी लगे। ब्रेकर आया है जिसको धीरे से पार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए योद्धाओं की तरह। और भाई ये अपनी टाउनशिप का मेन गेट है, और यहाँ से बाहर प्रस्थान करते हुए बाहर कुछ दुकानें वगैरह हैं, खाने पीने की, किराना की, चाय की, नाश्ते की। तो ये हमारी टाउनशिप के बाहर का नज़ारा है। दूध दही सब, जूस वगैरह सब मिल जाएगा। जूस की कमी वैरायटी मिलेगी, मौसमी वगैरह मिलेगा एक दो। तो बता रहे हूँ क्यों क्या अनुसुक क्या कौन क्या। दोस्तों यहाँ पे सड़क के किनारे बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई थी, तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ जगह होगी कोई घूमने की। तो वापस गए तो जाके देखा, तो ऐसा कुछ मुझे हमें कोई दिखाई नहीं दिया। बाइकें ज़रूर खड़ी थी लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। तो हम फिर थोड़ा आगे की तरफ देख के भी आए, नीचे नदी ज़रूर जा रही थी एक आगे पूरा लगभग 100 मीटर नीचे, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं गए, वापस आ गए और आगे हम अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। सीधा तार लगा रहे हो आग गए यार। भाई रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल आया है, और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं कैंपिंग जैसा, पता नहीं क्या कर रखा है। ऊपर उनकी गाड़ी खड़ी हुई है बस। भाई साहब वाटरफॉल छोटा है लेकिन पानी बहुत फास्ट आ रहा है यार, दिख तो रहा होगा। यार ये भाई साहब नदी है भाई। ये हाईवे से कोसमल वाटरफॉल के लिए टर्न लेना है, कोसमल 10 किलोमीटर है यहाँ से। बाय बाय बच्चों, कच्चा नहीं पहन रखा उस छोटू ने, देखा क्यों।
भाई साहब क्रिकेट ग्राउंड भी है इतना ऊंचाई पे आगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बॉल मिलेगी नहीं यार। लेकिन 2.5 घंटे लग गए और अभी तक हम कोसमल नहीं पहुंचे हैं। ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं अभी, एकदम लगभग 5 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से, और भाई एकदम खड़ी चढ़ाई आ रही है। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट दिलाते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। जस्ट अभी तो कुछ ही दूरी का बाकी है। रास्ता दोस्त बहुत ख़राब है इधर से, और हम जा रहे हैं अभी वाटरफॉल। ये मेरे भैया हैं, थोड़े बदमाश है मगर ठीक है, दोस्ती खास अच्छा दोस्त अपना। तो बाइक का सफ़र यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है भाई। बाइक यहाँ खड़ी कर दी, अब नीचे जाके पैदल चलना होगा, यहाँ पे ट्रेकिंग करना होगा थोड़ी दूर, उसके बाद वाटरफॉल आएगा। तो चलिए अभी चलते हैं पैदल नीचे जाके, कुछ खाना वाना होके करेंगे पास में। ये इधर सामने से रास्ता लग रहा है, ये थोड़ी दुकानें वगैरह है यहाँ पे, कुछ मैगी चाय वगैरह मिल जाएगा। और इधर एक ये पानी आ रहा है नीचे, ये भी वाटरफॉल है, लेकिन ऊपर यार नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो गंदा पानी हो गया, वो कोई मतलब नहीं है। और भाई साहब ये देखो सामने, वाह यार क्या गजब व्यू है, वाह यार भाई, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र, और भाई बहुत बड़ी वैली लग रही है। तो ये वाटरफॉल कितने नीचे है, कितनी दूर है? 500 मीटर आधा मीटर। ये क्या मिर्ची है क्या? हाँ। अच्छा घर की बनाई हुई। हाँ। और ये नागली आटा? हाँ। नागली आटा अच्छे से क्या काम आता है नागली आटा? रोटी बनाने के? हाँ। बाजरे ना बना है। अच्छा बाजरे की तरह। यहाँ पे भी आपको कुछ खीरा वगैरह मिलेगा। ये क्या है? नागली बिस्किट। नागली के बिस्किट भी आने लग गए भाई साहब। भाई साहब ये बहुत गंदा पानी है यार, पीछे लोग बाग नहा दोगे। वो कोसमल वाटरफॉल में भी ऐसे लग रहा है। ये इधर यार एक वॉच टावर जैसा भी बना हुआ है कुछ, बहुत ऊंचाई पे हाइट पे है। भाई रास्ता में भूल भुलैया है कहीं ना कहीं, ऐसे अभी आइडिया से जा रहे हैं, क्योंकि इधर मोड़ वोड़ आते हैं बहुत सारे। अल्टीमेटली जाना तो नीचे है। अंकल वाटरफॉल कोसमल किधर? भाई साहब अंकल ने पानी की सुविधा बना रखी है बीच में। भाई साहब बहुत डेंजर रास्ता है यार, पूरा पहाड़ से गिरा हुआ है और पत्थर ही पत्थर है, तो यहाँ पे संभल के आना रहेगा। और अभी भी और नीचे ही है बहुत ज़्यादा आगे, तो धीरे धीरे जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। अभी आवाज़ आने लगी है वाटरफॉल की, ये देख, ये देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है एकदम से, तो आराम से जाने का, घबराने का नहीं। एक तार लो खोलो एक बार, फ्रंट कैमरा कंडस बढ़िया आ रहा है? दोनों सेम बढ़िया है। चश्मा उतारो, ये बताओ सही है यार, कंडस बढ़िया आ रहा है? नहीं यार ये अच्छा है। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा ही है ना। भाई ये 30,000 का मोबाइल है और ये 12,500 का मोबाइल है, और 3 साल पुराना है, ये 2 महीने पुराना है, और वीडियो इसमें अच्छा आ रहा है, तो समझ जाओ कंपनियों की क्या हालत है, कैसे ग्राहकों को ठगते हैं ये लोग। जिसके ओनर है ना 30,000 का, उससे खुद ने बोला भाई 12,000 वाला अच्छा है, और अपना 12,000 में चल रहा है। गरीब यूट्यूबर है भाई साहब। भाई साहब बहुत पत्थर वाला रास्ता है यार, यार ये पता नहीं क्या है, थोड़ा ऐसे पेड़ के ऊपर लग गए हैं। अगर आपको पता हो ये क्या चीज़ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये है वो वाटरफॉल जिसके लिए हम पिछले 3 घंटे से इधर उधर भाग रहे हैं, और बहुत यार बहुत ज़्यादा कठिन जगह है यार, कठिन रास्ता है। कुछ समय तो दोस्तों हम पहुंच तो गए वाटरफॉल के पास में, लेकिन अभी भाई साहब एनर्जी एकदम जीरो हो गई, जीरो। तो अभी सबसे पहले खाना खाएंगे हम, खाना लेके आए हैं,
उसके बाद आगे एक्टिविटी करेंगे। वाटरफॉल के नीचे नहाना तो है लेकिन बाइक पानी भी लग रहा है पीछे, गंदा होगा, पर कोई नहीं। खाने ये जगह बैठे भाई, छोटी सी टपरी लगी हुई है यहाँ पे, और मेरा साथी पता नहीं कहाँ रह गया। दोस्तों यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है ड्रोन से, और आपको दिख रहा होगा ये सामने ड्रोन। ये ड्रोन है भाई साहब, और ये कपल है जिनका प्री वेडिंग शूट चल रहा है। भाई अभी खाएंगे थोड़ा खाना, उसके बाद आगे जो भी होगा वो करेंगे। अभी खाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों खाना हो चुका है, अभी चल रहे हैं वहाँ पे ऊपर, दोनों तरफ जाएंगे पहले और थोड़ा नहाएंगे। ये देखो ये आ गया ड्रोन। ये रहे हमारे अशोक भैया, कितने आराम से। जन्नत है यार, अब इतनी ठंडी हवा लग रही है, अच्छी लग रही है। पूरा मुंह खराब हो गया ग्रुप, देख लो। ओह भाई साहब एकदम पास में आ गए हैं वाटरफॉल के। ओह ओ भाई साहब ये हो रहा, तो दोस्तों हमारी ट्रिप आज हो गई है पूरी यहीं पे। यहाँ से अभी हम वापस जाएंगे ऊपर, पूरे नहा भी लिए हैं, और दोनों देख सकते हैं वाटरफॉल यार, एक इधर है यहाँ पे और एक वहाँ पे उधर है। तो टाइम अभी 4 बज गए हैं और एकदम पूरा हो गया आज का ट्रिप ख़त्म, तो निकलते हैं अभी यहाँ से। और देखो कचरा, देखो भाई साहब कचरा कितना है यार, कचरा ये देख के भाई। यहाँ पे ये कुछ कट्टे भी लगे हुए हैं, ये भरे हुए हैं, लेकिन हमारी जो थैलियाँ थी वो हमने अपने बैग में रखी है, जो भी कचरा था हमारा। तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, प्रत्येक की जिम्मेदारी खुद की होती है कि कचरा फैलाना है नहीं फैलाना। मैं अपने आप को रोक लूँगा तो फिर धरती पे कहाँ कचरा दिखेगा। तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और पृथ्वी को बचाइए। वो जो नीचे झरना गिर रहा था ना बहुत बड़ा सारा, वो दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पानी जा रहा है यार। वो ये पानी रुका हुआ है, इतना बढ़िया नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो ये झरने में बन जाता है ना, तो भाई साहब इतना अच्छा लगने लगता है। कमल के फूल भी हैं इसमें, और ये पीछे से आ रहा है पानी, कहाँ से आ रहा पता नहीं, और यही पानी नीचे उस झरने में गिर रहा है भाई, कोसमल झरने में। भाई साहब एक बहुत डेंजर जगह जा रहा हूँ मैं, झरना जिस साइड से गिर रहा है ना वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी। ओ भाई साहब भाई साहब ये झरना गिर रहा उधर,
और बैठते वहाँ से आए भाई नीचे से हम। भाई आ गए ना मौत के मुंह में, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब कहाँ से गिर गया समझो मर गया। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं और पूरा थकान हो गया एकदम से, अभी हिम्मत नहीं बची है भाई, पूरा घूम लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई कैसा लगा, और अभी टाइम 5 बज चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।